हाँ, इनलाइन पंप में एक नंबर होगा, ये बेसिकली आपकी स्लो रनिंग सेट करने के लिए है। अच्छा, ये 375 है तो इसके डबल कर दो, 750 हो गए। तो इस ट्रैक्टर की जो स्लो रनिंग है वो 750 से कम जो बंदा करेगा, हाँ, तो वो वैसे तो सोचेगा भाई मेरा तेल बच जाए, स्लो रनिंग मैंने 500 कर दी, पर उतने RPM तोड़ेगा। वो है ये एलन की जाएगी, ये सेंटर में एक कैप्सूल है टॉर्क का। अच्छा, टॉर्क का आपने ज्यादा कर दिया है। हाँ, इसका एल की तो होगा, वो एल की से ही होगा। इसको आप क्लॉक बाहर की तरफ घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो टॉर्क ट्रैक्टर का बढ़ता जाएगा। ठीक ठीक, तो इसमें टॉर्क कितना बढ़ा हुआ है वो उससे कैसे पता? इतना करो कि ट्रैक्टर धुआं ना एकदम दे, तो थोड़ा बहुत धुआं दिखाए, एकदम पूरा धुआं ना दे। हाँ, मैं डबल 750 RPM बने मैंने इसके इधर इस पे सेट करने, और RPM सेट करने का पता लगाना अपना ट्रैक्टर में। से आपने इससे करने हैं, ऊपर वाले से नट से जो ये लग रहा है, इससे आपने इतने करने हैं। इसको पहले ये नट खुलेगा, उसके बाद ये लॉक खुलेगा, उसके बाद पेचकस से इसको अंदर टाइट करोगे तो बढ़ेंगे, ऊपर उल्टा करोगे तो घटेंगे। मतलब अंदर की साइड जो चीज टाइट होगी उसमें हर चीज बढ़ेगी, और जो बाहर निकलेगी उसमें घटेगी। सेम वे इसमें अब आपने दोनों से करना है, ये नहीं कि एक ही से सेट कर दो। अच्छा अच्छा, दोनों से सेट करना है। दोनों से अगर जैसे 750 है तो 750 इससे कर दिए, 20-25 RPM इससे कर दिए, क्योंकि दोनों रैक बराबर रहेंगे। ठीक 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 ठीक, मतलब दोनों बराबर टाइट हो जाए। हाँ, दोनों ये वाला। अब मैं इसको, आप इसको, ये दो नट लग रहे हो अपने पंप। अब आप इसको पॉज करके दिखा दीजिए, मैं इसको ठीक खोल है, लेता हूँ। खोल लो, खोल तेल भी बचा है, ट्रैक्टर भी बचा है, पावर भी बचा है। फायदा हो तो भाई ठीक है, ना तो वापिस वहीं कर लेना। नुकसान तो मैं ऐसे तो नहीं बता रहा ना, ये तो बेसिक सी चीज है, बिल्कुल साधारण सी चीज है। कैप लगा दी, अब ये प्लेट लगानी भाई, नीचे रखना, यो जो चौड़ा हिस्सा नीचे रखना, चौड़ा हिस्सा नीचे रखना, ठीक है ना। यहाँ देख ले, रबड़ रिंग आपका सही होना चाहिए, और रिंग ये ओ रिंग रहा ये। अच्छा, हाँ ये अंदर रबड़ रिंग है, थोड़ा वैसे दिखता नहीं, ये अंदर रबड़ रिंग प्रॉपर होना चाहिए। बार बार खुलने से ये बाहर अंदर हो जाए तो कट जाएगा, फिर कट जाएगा, लीकेज आ जाएगी, लीक हो जाएगा, तो ये अपनी जगह पे बैठा होना चाहिए भाई। अब इसको लगा के फिर प्रदीप चला के, चलो आप लगाओ इसने, तब तक मैं वीडियो बना, फिर देखते हैं चला गया एक बार। ऊपर नीचे वेरिएशन, मतलब 1.5 फुट के आसपास की गहराई ले रहा है, और टू व्हील तो इसे खींचेगा भी नहीं। हाँ, टू व्हील में अगर आप ये RPM भी 300 इसे तोड़ रहा है, फोर में ये गहराई इतना है, अब मैं टू व्हील लगा रहा हूँ, ये चल के भी देते तो, और कोई और टू व्हील लिया हो चल जाए तो इतनी गहराई पे। ये है भाई न्यू होलैंड 3630 सुपर प्लस ट्रैक्टर, और आज सुनील चौहान जी ना एक और चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ बताएंगे जमींदार भाइयों के लिए, इस ट्रैक्टर में क्या है, इन्होंने टर्बो भी लगवाई है साथ में, क्या है ये ट्रैक्टर मेन जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ट्रैक्टर अपने RPM ड्रॉप कर रहा है 400 RPM तक। पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं भाई ये ट्रैक्टर कैसे, फिर उसके बाद वो ड्रॉपेज है ना जो RPM ड्रॉप हैं वो कैसे ख़त्म करे जाते हैं, कोई पंप वाला है वो भी चीज़ को देख लेना, कोई मिस्त्री वो भी सीख लेना, और जो जमींदार समझदार हैं, जमींदार तो खैर सारे समझदार हैं, जमींदार अपने घर पर भी काम कर सकते हैं। अगर चौहान जी से पूछा भाई क्या करवाना, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं इसके बारे में, ताकि जमींदार भाइयों को ना डीजल की बचत हो और ट्रैक्टर अच्छी पावर लगा हुआ है। चौहान जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। सुनील चौहान जी, आज क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं आप जमींदार भाइयों को? प्रदीप, आज ना दो चीज़ बताऊंगा। एक तो इस पंप के पीछे ना देख, एक RSV 375 लिखा होगा। हाँ, ये RSV नंबर है, ये सभी पंपों को है। ये किसी पे 400 होता है, किसी 375, हर एक ट्रैक्टर का अलग अलग मिलेगा मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। मतलब यहाँ एक नंबर होता जरूर है? हाँ, इनलाइन पंप में एक नंबर होगा, ये बेसिकली आपकी स्लो रनिंग सेट करने के लिए है। अच्छा, ये 375 है तो इसके डबल कर दो, 750 हो गए। तो इस ट्रैक्टर की जो स्लो रनिंग है वो 750 से कम जो बंदा करेगा, हाँ, तो वो वैसे तो सोचेगा भाई मेरा तेल बच जाए, स्लो रनिंग मैंने 500 कर दी, पर उतने RPM तोड़ेगा। हाँ, वो ड्रॉपेज करके उससे ज्यादा डीजल खा जाएगा, वो जब जोताई में उतने ड्रॉपेज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो इसकी ये 375 वाले के हिसाब से 750 इसके RPM करूंगा, 750-850। ठीक है। एक ये थोड़ा दबके चल रहा है, RPM ड्रॉपेज कर रहा है, RPM ड्रॉपेज कर रहा है, तो इसमें कैप्सूल है उससे थोड़ा इसका मतलब प्रॉपरली एक सेटिंग, आप पहले हम सेटिंग करके तैयार करके, और फिर जैसे ये चीज बताओ कैसे हमने ये काम कराया है भाई, कोई बंदा अगर अपने घर पर करना चाहो तो उस चीज़ें कर सकता है, क्योंकि ये चीज छोटी छोटी चीजें इसके लिए जमींदार हो है ना, मिस्त्री भी बेवकूफ बना देते हैं, कुछ मिस्त्री ऐसे हैं, मिस गाइड ना कर दे कोई किसी को। मेरे को जो अपनी नॉलेज में वो दे रहा हूं नहीं, देखो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं,
हाँ पसंद करे तो मतलब कर सकता है, पर इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो देखो हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं और हम अपना वो कोई गलती हो तो माफ करना, पहले हाथ जोड़ रहे हैं इस चीज के लिए, बस अपनी तरफ से एक अच्छी है नॉलेज हमें पता लग गया था इस चीज का, हम कोशिश करें उस चीज को अच्छा। आप ये देख लो अभी जैसे मैं इसको, ये सब कुछ ऐसी है, इसको ऐसी रहने देंगे। हाँ ये तो जैसे लोक लगा रखा है हमने, लगा दिया यहाँ ये लोग लगा दे, ये ड्राफ्ट देख लिया जो भी इस पोजीशन पांच नंबर पे है। तो अभी इसी में आप ये ड्रॉपेज देख लो, ये 1500 पे मैं चला रहा हूँ तो ये 300-400 आरपीएम तोड़ रहा है। चलो अभी आया मैं ऊपर आ जाता हूँ एक बार ट्रैक्टर पे, फिर वो अपने टूल पेटी रही भाई। टूल तो देखा है, ड्रो आरपीएम दिखा दे, टूल देखा है, टूल इतना काम चलाएगा ही नहीं। चलो आप देखो जैसे इसके आरपीएम 600 ही है। अच्छा 600 आरपीएम है, ठीक है, 600 ही है। तो ये ट्रैक्टर हर कम आरपीएम तोड़ के ही चलेगा। अच्छा ये 600 होने के कारण तोड़ रहा है, 150 आरपीएम कम हो गए। इसके 150 आरपीएम कम है तो ये तोड़ रहा है। अब इसके पहले तो मुझे 800 करने हैं, 850-850 750 से ऊपर, 750-800 के बीच में। अभी देख लो मैं अगर इसको एक चीज और, वेटर बोल लगवा रहा था, थोड़ी देर स्टार्ट रखा हो ट्रैक्टर में, क्योंकि ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद क्या उसका प्रेशर वगैरह ना घूम के तेल ताल सारा नॉर्मल हो जाता है, सेटर बो का नुकसान नहीं होता। दिखा दे भाई ले जाओ उससे भाई। आज ये देख लो चौहान जी का टूल अपनी गाड़ी में रखा रहे हैं 24 घंटे। खोल दे बस यहीं रख दे बेटा, टूल टूल बॉक्स देखो भाई, ये फोर्स का है। अच्छा फोर्स कंपनी वालों का है, कुछ भी खोल ले भाई, पूरा जहाज खोल ले। अरे तेरी तो ठीक है ना, ये सारा कैसा पूरा सेट ना ना सारा सेट है, टॉर्क रेंच घर पर रखा है, टॉर्क रेंच घर पर रखा है, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी आज इसलिए नहीं ले रही। आप वीडियो को कर दो पॉज, हाँ एक बार हम देख लेते हैं अपनी तरफ से करके कहाँ सेटिंग प्रॉपर, फिर आप लोगों को पूरे पैरामीटर बता भी देंगे और दिखा भी देंगे कैसे क्या करना वो भी बताऊंगे आप लोगों ने। एक तो आपने कौन जब करा क्या आपने, बंद करो एक बार, अभी पहले देख ये दिखा दे प्रदीप, ये मैंने 4 बोल्ट खोले हैं 10 नंबर के। अच्छा अच्छा, और इसमें ध्यान रहे जब आप इस प्लेट आप लगाओगे ना, ये चौड़ा हिस्सा नीचे होना चाहिए, अगर आपने ऐसे उल्टी लगा दिया ऊपर कर दिया तो लीकेज रहेगी, ये नीचे होना चाहिए। ठीक है मैं खोल लेता हूं। हाँ अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक वो है, ये एलन की जाएगी, ये सेंटर में एक कैप्सूल है टॉर्क का। अच्छा टॉर्क आपने ज्यादा कर दिया है, इसका एल की तो होगा, वो एल की से ही होगा। इसको आप क्लॉक बाहर की तरफ घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो टॉर्क ट्रैक्टर का बढ़ता जाएगा। ठीक ठीक, तो इसमें टॉर्क कितना बढ़ा हुआ है वो उससे कैसे पता? इतना करो कि ट्रैक्टर धुआं ना एकदम दे, तो थोड़ा बहुत धुआं दिखाए, एकदम पूरा धुआं ना दे। ठीक ठीक ठीक, और चलते टाइम तो देना ही नहीं चाहिए, चलते टाइम ना दे। ठीक ठीक है, तो आपने अभी ये बढ़ा दिया है, दिखाओ एक बार छोटा एग्जांपल दिखाओ। थोड़ा कटाई होगी इसने एक बार, जैसे वैसे रेस दे एक तो थोड़ा बहुत तब भी दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या है ना भाई, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, कम कर दिया। हाँ ये चीजें तो समझने की है, एक्सपीरियंस से आऊंगी ये चीज, तो ये तो तजुर्बे से आती है चीजें, बाकी हमारा काम था बना बताना। ठीक है, अच्छा टॉर्क आपने ज्यादा कर दिया, टॉर्क बढ़ा दिया थोड़ा हा, और कितना बढ़ा, जैसे एक चूड़ी डेढ़ चूड़ी या दो चूड़ी? आप अगर बिल्कुल नया है तो आप एक डेढ़ चूड़ी बढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे एक चूड़ी बढ़ा के देख लो, फिर ना बाद फिर आधी चूड़ी बढ़ा के देख लो भाई, आधी आप एक दो बारी में सेट हो जाएगा। हाँ अपने आप सेट हो, बाकी ये चीज है ना तजुर्बे से चलाने तो अपने आप अपने महसूस होंगी, मैं ट्रैक्टर दूंगा अभी नहीं दिखा रहा, सारी चीज ओके है। डीजल भी बढ़ाना चाहिए थोड़ा?
नहीं डीजल अगर बढ़ाना चाहिए, डीजल का नट भी अंदर। अच्छा डीजल का नट, ये एल किसे तो होगा वो वाला डीजल का नट, ये 10 नंबर की इसमें वो लगती है। इसमें नीचे दबाओ एक बार, ये नीचे दबाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला है नट, इसे 10 नंबर नट चाबी लूज करके और फिर पेचकस से टाइट अंदर को करोगे तेल बढ़ेगा, उल्टा खोलोगे तेल घटेगा। मतलब बाहर की तरफ आएगा तो तेल घटेगा और अंदर की तरफ जाएगा तो तेल बढ़ेगा। हाँ कुल मिला के इसके जो क्या कहते हैं उसकी केम क्या साफ्ट, कौन सी साफ्ट होती है इसमें वो रैक की, रैक की। हाँ रैक को धक्का देगा, धक्का देगा तो डीजल बढ़ जाएगा, कम कर देगा तो घट जाएगा। मैंने जहाँ भी सेट करा इस कप लगाने से पहले एक बार और चेक कर लूँ। देख कर देख अपने कहा अपने हिसाब से चेक करो, आरपीएम ड्रॉप पे नीचे है। इंजन के होने चाहिए डबल डबल 375 गुणा में 2 750 बने पूरा 375 गुणा में डबल 750 उसके बाद ये लॉक खुलेगा। हाँ। उसके बाद पेचकस से इसको अंदर टाइट करोगे तो बढ़ेंगे, ऊपर उल्टा करोगे तो घटेंगे। मतलब अंदर की साइड जो चीज टाइट होगी उसमें हर चीज बढ़ेगी और जो बाहर निकलेगी उसमें घटेगी। सेम वे इसमें अब आपने दोनों से करना है, ये नहीं कि एक ही से सेट कर दो। अच्छा अच्छा दोनों से सेट करना है, दोनों से अगर जैसे 750 है। हाँ। तो 750 इससे कर दिए, 20-25 RPM इससे कर दिए, क्योंकि दोनों रैक बराबर रहेंगे। ठीक 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 ठीक, मतलब दोनों बराबर टाइट हो जाए। हाँ, दोनों ये वाला ये वाला। अब मैं इसको आप इसको ये दो नट लग रहे हो अपने पास। अब आप इसको पॉज करके दिखा दीजिए, मैं इसको खोल देता हूँ। खोल लो बताओ। अच्छा, ये 10 नंबर की कैप खोलनी है। हाँ हाँ। उसके बाद ये 10 नंबर ये लॉक नट ढीला करना है। मतलब कुल में जैसे डीजल बढ़ाने का तरीका वो ऐसे ये बढ़ाना। हाँ, ये बढ़ाना नहीं है, ये आपको स्लो रनिंग का जो मैं कर बता रहा था ये आपने साढ़े आगे इसके 750 मुझे लेने हैं RVS के हिसाब से। 375 लिखा हुआ है तो मुझे 750 इसके करने हैं। हाँ, तो इस पर तो आलम 750 करें। 750 तो मैं इससे करूंगा। इस वाले से ऊपर वाले से ठीक है, और 25 1 के करीब नीचे वाले से। चलो एक बार आप ऊपर वाले से आप RPM सेट करो, मैं मीटर पे दिखाऊं फोकस करूंगा तब तक। अरे ज्यादा चले गए, ज्यादा चले गए, उतारो उसने एक बार थोड़ा टाइट और करो, देखो बढ़ेंगे चक्कर करो, टाइट करो। हाँ बट गए, बट गए, डाउन करो, आन दो नीचे आन दो और करो, वो तो बहुत है, 800 भी नहीं आए अभी तो। और करो और करो और करो और करो, 700 800 आए हैं अब, और करो। बस बिल्कुल एक्यूरेट है, थोड़े से डाउन कर दो करो उधर।
थोड़ा डाउन करो, नहीं पौने 800 तक पहुँच गए। पौने 800 हो गए। हाँ कोई बात, थोड़े बाद 19-20 चलेंगे। ये देख लो भाई, सीट पर बैठने के बाद हमें बिल्कुल ये चीज़ दिखती है, और उसके बाद इसको लॉक करते हैं। दोबारा लॉक करना दे, थाम दूँ मैं, पर थाम के अब फिर देखना है। अभी अभी एक बार बंद करके, अच्छा दोबारा स्टार्ट कर, चालू में कराया था मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो अभी एक बार लॉक लगा दे, लॉक लगाए पीछे नहीं होना, थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाएगी। ये कोई भी इनलाइन पंप है उसका उसका काम है ये बात, ये हाँ। है जरूरी नहीं होलैंड ट्रैक्टर, कोई भी इनलाइन पंप है उसके साथ ही हम काम कर सके अपने घर पे। कोई दिक्कत लगा था बच्चों जी तो फोन कर लियो, अगर ज्यादा ही दिक्कत आ जाए तो, ये ना कई बार आदमी सीखने के चक्कर में गलती हो जाए तो गलती को सुधारने का मौका भी है, ऐसा नहीं है कि गलती होगी तो सुधरेगी नहीं। फिलहाल आप लॉक लगा रहे हो ना उस पर? लॉक नहीं, थोड़ा रो रही घट गया था। अच्छा नहीं, एक बार अभी आपने सेट करके ना, और ये लॉक करके एक बार दोबारा स्टार्ट करना है। अच्छा प्रॉपर लॉक लगा दो, कैप बाद में लगा ले। हाँ कैप अभी कितने ड्रॉप कर सके बेचारा, देखते हैं ड्रॉप करेगा कितने ना, आप देखते हैं। ठीक ठीक, ये लॉक हो गया, ये कैप लगा दे इस पे, नीचे वाला भी लॉक हो गया। ये तो है नहीं, हम लोग को ये वाशर लगाया। हाँ ना ना ना, ये तो है नहीं, हम लोग को पैसे कमाने हैं, लोगों को घुमाना, इसलिए हमको अपना घुमरा नहीं भाई, अपना वो है भाई, जिस भाई को पसंद आए कर लेना भाई, समझ आए मेरा कोई। देखो इस चीज से आपका डीजल भी बचा, ट्रैक्टर भी बचा है, पावर भी बचा, फायदा हो तो भाई ठीक है, ना तो वापिस वही कर लेना, नुकसान तो मैं ऐसे तो नहीं बता रहा ना। ये तो बेसिक सी चीज है, बिल्कुल साधारण सी चीज है। कैप लगा दी, अरे फोकी सी टाइट कर दी, आप ज्यादा टाइट करोगे अंदर वाला घूम जाएगा, एल्युमिनियम का है ये, तो ज्यादा जोर भी नहीं लगाना, हल्का सा टाइट कर दो भाई ताकि ये लूज भी ना हो। ऐसे हो गया ऐसी भाई, इसका एक वाशर लगाया इधर पीछे। ठीक 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 है, और भाई इसको ये लगा दिया कैप को, और 10 नंबर के से भाई इसको भी टाइट कर दिया। ठीक है, हल्का से इसको भी टाइट कर दिया, ज़्यादा करोगे अंदर वाला घूम जाएगा, फिर रैक आपका घूम जाएगा, वो आरपीएम भी गिर जाएंगे वो। बस ये दोनों हो गए, अब ये प्लेट लगानी भाई, नीचे रखना यो जो चौड़ा हिस्सा नीचे रखना, चौड़ा हिस्सा नीचे रखना। ठीक है ना, यहाँ देख लिया, रबड़ रिंग आपका सही होना चाहिए, और रिंग ये ओ रिंग रहा ये। अच्छा हाँ, ये अंदर रबड़ रिंग है, थोड़ा वैसे दिखता नहीं, ये अंदर रबड़ रिंग प्रॉपर होना चाहिए, बार बार खुलने से ये बाहर अंदर हो जाए तो कट जाएगा, फिर कट जाएगा, लीकेज आ जाएगी, लीक हो जाएगा, तो ये अपनी जगह पे बैठा होना चाहिए भाई। अब इसको लगा के फिर प्रदीप चला के, चलो आप लगाओ इसने, तब तक मैं वीडियो बना, फिर देखते हैं चला गए। ये कर दिया मैं दोबारा, हमने पूरा सेटिंग बैठा दी प्रॉपरली, सारे नट टाइट कर दिए। इसमें चाबी भी कौन कौन सी चाहिए, एक तो 10 नंबर की, 17 मेन तो 10 और 17 की चाहिए, बाकी कई बार तो जो लोग फिसलने लग जाए ना एक नंबर फाल, उसमें एक नंबर 11 नंबर भी रिक्वायरमेंट होती है, 11 की या 10 की भी है। लगाओ लोग, अब देखेंगे प्रैक्टिकल चला गया ट्रैक्टर का भाई, ट्रैक्टर वहीं खड़ा, इसने हटाओ तो हाँ जी, हटाइए भाई हटाइए भाई, इसने हटा ले, रख दे साइड में कर, रख दे और वहीं रख देना साइड में, बस 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 कहीं लेके जानी नहीं है, खड़ी कर दे एकदम, हमने दिखती रहेगी बस। अब देखेंगे ना स्टार्ट करके चला गए प्रॉपरली, तो हाँ जी काम पक्का है। देखे प्रदीप भाई अपनी तरफ से पूरी करी कोशिश, बाकी अभी ट्रैक्टर बनाएगा, कुछ चीजें प्रैक्टिकल में भी तो सीखने को मिला है ना, प्रैक्टिकल में आएंगी भाई। इतना तो जो थोड़ी बहुत जो जैसी नॉलेज है उसके हिसाब से कर रहे हैं, पहले जैसा तोड़ के करा, रात को लाओ
अच्छा आप 250-300 तोड़ के चल रहे हैं, तो अब आरपीएम पहले तो मोड़ पे बहुत ज्यादा दब ज्यादा, अब दबता नहीं हो। चलो एक बार पहले आप मोड़ पे दिखाओ, मोड़ करके दिखाओ, तो पहले इसी का चलाओ, फिर मोड़ पे मोड़ बाय बाय मोड़ बता देंगे। एक आप 1600 पकड़ के देखो ना, 16-17 हिल करके देखो ना, 17 पे नहीं करना, 17 पे करती है, चलो 17 पे करते भी देख लो एक बार कितने लग रहे हैं। एक तो बिना स्प्रिंग के हैं पर यहाँ तक बैठ रहे हैं, ये देखो ये है मेरे हाथ का भी, ये देखो मैं निशान दिखा दूँ आप लोगों ने, ये यहाँ तक मिट्टी लग रही है, देख यहाँ तक मिट्टी लग रही है,
ये होगा कम से कम भी 1.25 फट है जी वो, कम से कम 1.25 फट का गहराई ले। चलो एक काम करो, मैं फीता ले आऊं, मापे देंगे इधर से रोड़ा खत्म हो जा। आपको मारो चक्कर मारे ना, मैं वीडियो बंद करूं हूं भाई, वीडियो बंद दोबारा गहराई जुताई दिखाऊंगे मैं आप लोगों को, निशान भी लगा देता हूं भाई यहां पे, तो ऊपर निशान तो क्या लगाऊंगा। चलो देख गए आप लोग चक्कर, आप देखेंगे फिर बाद में, मैं वहीं फीता ले आऊं। ले मापो इसकी गहराई 1 फुट 4 इंच यहां तक है। एक मिनट मिट्टी दिखा देता हूँ, ये देखो मिट्टी की घर्षण भाई, यहाँ तो हम ले रहे हैं 1 फुट 4 इंच की गहराई दे रहे हैं पूरा, ये चौंच पे मान लिया 1 फुट 3 इंच भी लगा लो, एक इंच आप छोड़ दें, चलो ऊपर नीचे वेरिएशन, मतलब 1.5 फुट के आसपास की गहराई ले रहा है। और टू व्हील तो इसे खींचेगा भी नहीं, हाँ टू व्हील में अगर आप ये RPM भी 300 इसे तोड़ रहे हैं, फोर में ये गहरा इतना है, अब मैं टू व्हील लगा रहा हूँ, अगर ये चल के भी देते तो, और कोई और टू व्हील लिया हो चल जाए तो, इतनी गहराई पे। मेन चीज वो है भाई, जो यो RPM ड्रॉप नहीं करा जी, ट्रैक्टर हम करवा रहे हैं इसका ड्रॉप कर रहे हैं तो बेचारा कर रहा है, नॉर्मल उसमें चलाएंगे तो नहीं करेगा, 6 इंच वगैरह कर देंगे तो बिल्कुल अभी ना करे। वाह वाह वाह, टू व्हील में देख रहा है इसको, चलो चलाओ एक बार टू व्हील में चलाओ, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी चीज दिखाई, दो चार के हैं ना ना होता है, ये मेरा नया टॉपिक एक हो रहा होगा देखते हैं। अच्छा अच्छा लीकेज देख देखते हैं, कर रहा हूँ कर रहा हूँ ना, कोई लीकेज नहीं कुछ नहीं। चलो भाई ये चीज बताना चाह रहे थे भाई, जैसी वीडियो तो कमेंट कर जरूर बताना, और बताना अगर गलती हो जाए माफ करना।